हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। अगर आप पूरे भारत में कहीं से भी आते हो, किसी भी कोने से आते हो, तो आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है अग्निवीर भर्ती 2024 को लेकर के। मैं आपके सभी एआरओ के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हो, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं, सभी अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे फोन में। एक तो ये रही, एक और दिखा दूं आपको, एक ये रही और एक ये रही। इतनी न्यूज़पेपर की कटिंग अभी तक आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। आज सुबह की कटिंग भी मेरे पास, जिसमें लिखा हुआ कि पूरे भारत के अग्निवीर के जो ऑनलाइन फॉरम है वो 8 तारीख से, यानी कि 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें आपका जो एग्जाम होगा वो किस तारीख को होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिए। आपके एक शेयर करने से क्या होता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आने वाली और भर्तियों से अपडेट भी, और भर्तियों की जो अपडेट होती है अग्निवीर की, वो भी जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करते हैं। अगर आप वीडियो को, जैसे हमारे को लाइक नहीं करते, तो फिर हमारा भी मन उठ जाता है आपके लिए वीडियो बनाने से। तो हम बात करने वाले हैं आपकी अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए, कि उसके ऑनलाइन आवेदन जिसके 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हो, मैंने पहले कल भी और परसों भी और उससे एक दिन पहले भी एक वीडियो बना करके डाला हुआ था, जब सभी बोल रहे थे कि आपके जो फॉर्म है वो आपके जनवरी में कभी भी आ सकते हैं, एक दो दिन में। लेकिन मैंने उस समय भी बोला था जब आपकी फर्स्ट फेज की फिजिकल कंप्लीट, सेकंड फेज के जो सेकंड बैच चल रहा है आपका, उसके फिजिकल जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसी के बाद आपके ऑनलाइन आवेदन देखने को मिलेंगे वेबसाइट पर। और जो कि मैं बताता था आपको, फरवरी के सेकंड वीक में ही देखने को मिलेंगे। और देख लीजिए, अभी सभी एआरओ ने भी ज्यादातर एआरओ ने भी ये जानकारी दे दी है कि जो आपके फॉरम है 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ एआरओ का कहना है कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे वो आपके 8 फरवरी से हो जाएंगे। कुछ एआरओ बोल रहे हैं कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन फॉरम है वो फरवरी के सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। और एक दो एआरओ ऐसे भी है जो ये बोल रहे हैं कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन है फरवरी के मध्य में स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सभी आपकी 8 फरवरी के लगभग ही होती है, सेकंड वीक भी और मध्य भी आपका 8 फरवरी से शुरू हो जाता है। और बात करते हैं, कुछ एआरओ ने डेट तक दे दी 8 फरवरी। अब मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि इसमें देख सकते हो न्यूज़पेपर की कटिंग में मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देख सकते हो अग्निवीर भर्ती के 8 से होगा ऑनलाइन आवेदन। और एक और दिखा दो न्यूज़पेपर कटिंग, इसमें कर्नल साहब ने बताया हुआ कि आपके 8 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ये थोड़ा वैसा अग्निवीर भर्ती के लिए 8 फरवरी से होंगे आवेदन, ठीक है। और एक और दिखा देता हूँ, एक यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अग्निवीर भर्ती के लिए 8 फरवरी से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। अब बताओ, इतना डिटेल में अगर आपको किसी ने यूट्यूब पर बताया और इतने सारे न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाई हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है, उसी पर हंगामा मचा करके पटक देते। अब मैं आपके लिए इतनी सारी जानकारी भी लेकर के आ चुका हूँ सभी अलग अलग एआरओ से। अब हम बात करेंगे कि इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक मांगी जाएगी। अब चलते हैं, इसमें जो पढ़ के सुना देता हूँ, अग्निपथ योजना के तहत 2024-25 की भर्ती प्रक्रिया के लिए 8 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करे जाएंगे आपके। यानी कि आप अपने जो ऑनलाइन आवेदन है 8 फरवरी से लेकर के 21 मार्च तक कर सकते हो, यानी कि 21 मार्च लास्ट डेट रहने वाली है। निर्देशक सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के कर्नल आनंद सांकले ने बताया कि अग्निवीर की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी प्रति आवेदक ₹250 शुल्क देना होगा। आपको जब फॉर्म भरोगे तो पहले की तरह ₹250 शुल्क देना होगा फॉर्म भरने के लिए। अब ये भी कन्फर्म हो गया। अब आप बोलोगे कि हमारे एआरओ का तो अभी तक आया नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन कि हमारे फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे। अबे एक बात मत सोचो, अब क्या होता है अग्निवीर की भर्ती, जब भी आप देखते हो फिजिकल तो पहले होता नहीं है, होता कोई फिजिकल पहले, अब एग्जाम पहले होता है, और एग्जाम भी अब आपका सभी का एक साथ होता है। तो कोई भी एआरओ ये जानकारी दे दे कि हमारे जिले के आवेदन इतनी तारीख से स्टार्ट होंगे, तो समझ लीजिए पूरे भारत की बात कर रहा हो, क्योंकि अब सभी के ऑनलाइन जो आवेदन है सभी के एक साथ स्टार्ट होते हैं और सभी का एग्जाम भी एक साथ ही स्टार्ट होता है, क्योंकि अब शायद 150 से प्लस जो एग्जाम सेंटर आपके पूरे भारत में, वहां पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। पिछली बार भी आपने देखा हो तो सभी के पूरे भारत में 17 तारीख से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसी प्रकार से इस बार भी एक ही साथ एग्जाम होगा और एक ही साथ ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, चाहे आप किसी भी एआरओ से आते हो, किसी भी जिले से आते हो, किसी भी गांव से आते हो। अगर मेरे गांव के आवेदन 8 फरवरी से चालू होंगे तो आपके गांव के आवेदन भी 8 ही फरवरी से चालू होंगे। अगर मेरे यहाँ के एग्जाम 15 अप्रैल से चालू होंगे तो आपके भी 15 अप्रैल से एग्जाम चालू होंगे। हालांकि अभी एग्जाम को लेकर के कोई डेट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको अनुमानित डेट बता दूंगा कि आपकी इस तारीख को एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें हम जैसे बात करते हैं आपकी जो लास्ट डेट है फॉरम की, क्या 21 मार्च है, फॉरम भरने के 10 से 15 दिन बाद क्या आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं 21 मार्च। मार्च आपका 31 का महीना होता है, यानी कि 10 दिन बाद 31 तारीख हो जाएगी। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में, यानी 1 से 5 अप्रैल के बीच में आपको अपने एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे ज्वाइंट इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे।
अप्रैल के महीने में 1 से 5 अप्रैल के बीच में, और जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है तो उसके 10 से 15 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू होते हैं। तो जहां से अनुमानित लगाया जाए तो पहली बार की तरह आपका एग्जाम जो होगा वो पहले की तरह ही आपको शायद उसी तारीख के आसपास देखने को मिलेगा, 15 से लेकर 20 अप्रैल। ये बेशक से आप चाहो तो रिकॉर्डेड करके रख लेना इस वीडियो को कि जो मैं एग्जाम डेट बताऊं, 15 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम डेट है जो वो आ जाएगी, उसी तारीख से स्टार्ट होगा। हालांकि जैसे नोटिफिकेशन 8 फरवरी को ही डाल देंगे अपनी वेबसाइट पर, ज्वाइंट इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 8 फरवरी को जब आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे उसी टाइम पर ये नोटिफिकेशन डाल देंगे सभी एआरओ, तो उसमें एग्जाम डेट भी फिक्स कर देंगे कि इतनी तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं इसमें कुछ डिटेल डेट ऑफ बर्थ वगैरह पढ़ के सुना देता हूँ जो आपकी उम्र सीमा मांगी जाएगी। 250 रुपये आपसे शुल्क लिया जाएगा। पहला चरण में आपकी कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा यानी कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जिसे आप सीईई बोलते हो, लिखित परीक्षा कराई जाएगी। भर्ती में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना नाम वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, यानी कि जब आप भर्ती देखना चाहते हो, जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए ये बोला गया है, अगर आप भर्ती देखना चाहते हो तो अपना पंजीकरण कर ले, और जैसे ही फॉर्म आए तो अपना लॉग इन करके अपना फॉर्म फीस कटवा के फोटो और साइन अपलोड करके फॉर्म भर दे, जिससे आपको कोई भी टाइम ना लगे। उसके बाद 21 मार्च के उपरांत वेबसाइट बंद हो जाएगी, यानी 21 मार्च लास्ट डेट है, तो उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, वेबसाइट बंद हो जाएगी। और इसमें बताया हुआ कि जो फर्जी दलाल है बोलते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, उनसे सतर्क रहे, बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें कोई भी दलाली वलाली नहीं चलेगी भर्ती में। और अब मैं बता दूं आपको क्लर्क में भी आपका क्या है, वो टाइपिंग टेस्ट ऐड कर दिया गया, टाइपिंग टेस्ट में कौन से दलाली दलाल दलाल दलाली करवाएगा। कर्नल आनंद सांकले ने बताया कि रेवाड़ी भिवानी चरखी दादरी ये जिलों पर मत जाना, सभी की एक साथ होगी, सभी की डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही रहेगी। इसमें इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है उसमें थोड़ा चौंकाने वाली बात है, इन्होंने बताया हुआ 1 अक्टूबर 2003 के बाद जिनका जन्म है, चलो ये तो ठीक है, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2003 के बाद हुआ है और 30 अप्रैल 2007 के बीच में आते हैं, यानी 30 अप्रैल 2007 से पहले, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है क्योंकि 1 अप्रैल 2007 होता है, इसने 30 अप्रैल 2007 बताया हुआ है। और सभी न्यूज़पेपर की कटिंग में जो मेरे पास अलग अलग मैंने न्यूज़पेपर दिखाया था तो सभी में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखो आप, इसमें लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 डेट ऑफ बर्थ। और अगले न्यूज़पेपर पर चलते हैं हम, अब इसमें अगर चलते हैं तो इसमें भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ, देखो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात लग रही है क्योंकि एक इसमें जो होता है ना 1 अप्रैल 2007 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 30 अप्रैल 2007 है। इसमें भी आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2007। इसके लिए मेरे पास अभी तक कोई वो नहीं है, क्या पता उनसे कुछ बताने में कोई दिक्कत होगी और शायद एक नोटिफिकेशन आने के बाद ये कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जो डेट उम्र सीमा है कुछ भी बढ़ाई नहीं गई है बिल्कुल भी, इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि उम्र सीमा आपकी बढ़ाई नहीं गई है। अब इसमें बाकी आप देखोगे तो बोनस मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हो ना तो मैं टेलीग्राम पर इन्हें शेयर कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी, सारी न्यूज़पेपर की कटिंग और जो भर्ती कार्यालय ये बता रहे हैं कि फरवरी के मध्य भर्ती आएगी वो भी मैं आपके डाल दूंगा टेलीग्राम पर। मैं सारा कुछ प्रूफ लेकर के आता हूँ आपके सामने अलग अलग एआरओ से, ऐसा नहीं कि एक एआरओ से कुछ जानकारी मिल गई तो उसी के ऊपर वीडियो बना करके पटक दी, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हमारा अकाउंट भी चल पाएगा, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। और इसमें बता दूं कुछ बोनस मार्क्स के बारे में दिया हुआ है, 10वीं+ITI कोर्स वालों को 20 मार्क्स, 10वीं+3 साल का डिप्लोमा 30 मार्क्स, 12वीं+1 साल का ITI 30 नंबर, 12वीं+2 साल का ITI 40 नंबर, इस प्रकार से 12वीं+ डिप्लोमा 50 नंबर, ये इस प्रकार से इसमें अलग अलग वो दिए हुए हैं बोनस मार्क्स चलो। उसके बाद NCC वालों को जिसके पास ए और बी के लिए ए सर्टिफिकेट उसको 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर, NCC सर्टिफिकेट वाले को 20 नंबर और बाकी श्रेणी में 15 नंबर मिलेंगे, और जिसने गणतंत्र दिवस में भागीदारी ली है उसे 5 नंबर अंक और मिलेंगे, यानी कि उसे 25 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसमें बोनस मार्क्स के बारे में दिया हुआ और बाकी सभी ट्रेडों के बारे में दिया हुआ है, और ये भी बताया हुआ कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी होगा क्लर्क वालों का, आप देख सकते हो जाकर के पढ़ सकते हो, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पर अगर आपको लिंक से नहीं मिलता तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लेना अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी, आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा, जो लोगों इस यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ वही लोगों उस टेलीग्राम पर लगा हुआ उसे ज्वाइन कर ले, वहां से न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ सकते हो। अगर पूरे भारत की जो ऑनलाइन आवेदन है एक बार फिर से बता देता हूँ, 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, आप अपनी तैयारी करते रहे और आपकी एग्जाम की जो डेट रहेगी वो 15 से 20 अप्रैल के बीच में ही रहेगी। और आने वाली सभी भर्ती जानकारी के लिए हमें फॉलो कर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद जय भारत।